अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट गार्डन चैनल पर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैं फिर हाज़िर हो चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज ये वीडियो है फ्लेम वाइन के ऊपर। फ्लेम वाइन को हम जो है वो बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे। फ्लेम वाइन मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, मैं नर्सरी जब गया था फ्लेम वाइन लेकर आया था मैं। तो आज इसको जो है मैं बड़े गमले में शिफ्ट करूँगा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त उसके पत्ते खिल रहे हैं, नई नई शूट्स निकल रही हैं। ये देखें थोड़ी थोड़ी चीज़ जो है वो मुरझा गई हैं। ये देखें अब आज इसको जो है वो बड़े गमले में मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। इसी गमले में करूँगा। ये बड़ा गमला है, ये तकरीबन होगा 12 से 13 इंच का ये गमला होगा, या मेरे ख्याल में उससे भी बड़ा है शायद। इसका डायमीटर मुझे पता ही नहीं कितना है, मैंने इसको नापा नहीं है अभी फ़िलहाल। तो आइए इसको उसके अंदर जो है वो शिफ्ट करते हैं। पहले हम गमले में भरेंगे मिट्टी। सबसे पहले हम लगाएंगे इसके अंदर ये पत्थर, ड्रेनेज होल पे पत्थर रखेंगे ताकि मिट्टी बाहर ना निकले। पत्थर के अलावा आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोकोपीट की जो वो छिलके होते हैं लंबे लंबे से, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भूसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्ते भी, आप सूखे पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके जहन में हो। तो मैंने पत्थर इस्तेमाल किया है, पत्थर से इसको कवर कर दिया है मैंने। अब इसके अंदर मिट्टी भरेंगे। मिट्टी मैंने भर ली है, थोड़ी सी खाद भी यूज़ कर ली है। तीन हिस्से मिट्टी भरी है और एक हिस्सा जो है वो गाय का गोबर इस्तेमाल किया है। अब इसको कर लेते हैं मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चले जनाब, ये भी हो गया, खाद मिक्स हो गई है। अब हम लगाएंगे पौधा इसमें। ये देखें जनाब कितनी बड़ी बेल है। इसके अंदर जो जड़ी बूटियां उग रही हैं ये तोड़ देना है अपने। इसको मैं निकाल दूंगा क्योंकि ये पौधे का जो पावर है सारा वो लेती रहेंगी फिर। चले जनाब ये हो गया है, इसकी जड़ें देख सकते हैं आप, नीचे से भी जो है बाहर निकलने स्टार्ट हो गई हैं। ये देखें इसकी थैली हम ये रिमूव कर देंगे। अब इसकी थोड़ी सी पहले मिट्टी निकालेंगे ताकि पौधा रख सकें हम। अब पौधे को एहतियात से रख देंगे। अब मिट्टी डालेंगे।
चलें जनाब, ये हो गया है, मिट्टी भर गई है। ये बड़ा गमला है तो इसकी ग्रोथ जो है उसके अंदर काफ़ी अच्छी होगी। सूखी सूखी जो टहनियाँ हो वो आप काट दें, जैसे कि ये अभी मैंने काटी है। अब देंगे इसको हम पानी। पहले हम इसको उस जगह पर रख लेते हैं जहाँ पे मुझे इसको रखना है, फिर पानी देंगे, क्योंकि ये भारी गमला है, फिर उठाने में परेशानी होगी। यहाँ मैंने पौधे को रख दिया है इस जगह पे कोने में। अब इसको फटाफट से पानी दे देते हैं ताकि इसको पानी की कमी ना हो। अच्छी तरह भर के पानी देना है पहली दफ़ा में, फिर दूसरी दफ़ा में तब देना है जब ऊपर का सरफेस एरिया ड्राई होने लगे। तो जनाब, पानी मैंने अच्छी तरह दे दिया है पौधे को। अब बस रह गया इसका एक काम, इसको जो है वो ऊपर की तरफ इस तरह से जो है वो बांधना है ताकि ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करे। तो कोई रस्सी वगैरह मैं यहाँ से बांध दूँगा, यहाँ से कील ठोक कर ऊपर जो बांस है, यहाँ बांस में बांध दूँगा ताकि इसकी जो इसकी ग्रोथ है वो उसके ऊपर चढ़ते चढ़ते चली जाए आगे, या इसके ऊपर यहाँ से यूँ बांध दूँगा ताकि इसके ऊपर भी चढ़ जाए, या देखता हूँ उससे ऊपर लगाना चाहूँ तो उसके ऊपर भी लगा दूँगा। तो बस ये आज का मेरा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूं। तो फिर मिलूंगा किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।